हाय गाइस, वेलकम टू शुभम टेकवर्क्स। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सबको रोज़ न्यूज़ मिलती रहती है कि इसको कोविड हो गया या ये कोविड से मर गया। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे गैजेट्स जो आपके पास होने ही चाहिए कोविड 19 को बीट करने के लिए। तो पहला गैजेट है एक नैनो मिस्ट मशीन। इसकी हेल्प से आप अपनी सारी छोटी चीज़ों को, जैसे आपके स्मार्टफोन्स, आपके कार की कीज और आप अपने पावर बैंक्स को इजीली सैनिटाइज़ कर सकते हो। और आप इन सब चीज़ों में अल्कोहल बेस्ड लिक्विड सैनिटाइज़र को यूज़ कर सकते हो, जो बहुत इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस को किल करने के लिए। तो दूसरा गैजेट है एक ह्यूमिडिफायर, जिसको आप बहुत इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और इसकी लिक्विड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और आप अपने घर की जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे बाहर से आया हुआ पार्सल या फिर आपका कोई कैरी बैग, इसे इजीली सैनिटाइज कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो उसका कवरेज ज़्यादा होता है, तो आप कम टाइम में बड़ी चीज़ों को इजीली सैनिटाइज कर सकते हो। जो थर्ड गैजेट है वो है एक पल्स ऑक्सीमीटर, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने अपने ऐसे मिडिल फिंगर में डालना है और टाइम टू टाइम आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो बहुत इजीली। और जो अगला गैजेट है वो है एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। ईजीली आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हो बिना किसी को टच करे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर तो सबके ही घर में है, लेकिन सब ये बात नहीं जानते हैं कि इनके अंदर जो बैटरीज़ होती हैं वो वीक हो जाएं तो ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएंगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सबके घर में ये बैटरी टेस्टर ज़रूर होना चाहिए। इससे आप अपनी किसी भी साइज़ की बैटरी को लगाकर उसको टेस्ट कर सकते हो कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बैटरीज वीक होंगी तो ये डिवाइसेस भी आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैजेट है जो हर किसी के घर में होना ही चाहिए। और जो फिफ्थ और आखिरी चीज़ है वो है एक एंटीबॉडी रैपिड किट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो छोटे बच्चे हैं और जो 18 ईयर्स से अबव है, सबको वैक्सीन नहीं लगी है। तो जिनको वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों की बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो लोग इससे अगर टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगा है, वो लोग अगर इससे टेस्ट करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो एकदम रियल होगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैं एक डेमो वीडियो दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। Help you complete the test correctly. Before you start, check you have all parts of the kit within easy reach. Also, gather the additional materials required. Prepare by washing your hands with nothing but soap and warm water. Remove the test from the foil pouch. Choose your middle or ring finger. Then uncap the lancet and apply gentle pressure on the area highlighted until you hear a click. You need to wait for a good sized drop of blood to form. If it doesn't, squeeze, like this. Keeping the blood collector at a slight angle, gently touch the drop of blood to draw it up to the black line, but no further. This will happen automatically. Do not squeeze the bulb. Continue to the next stage quickly to stop the blood clotting. Bring the tip of the blood collector to the center of the sample hole. Carefully squeeze the bulb to help the blood flow. Reach for the test solution, twist open, and add all of the liquid to the sample hole. Drop by drop. 20 minutes later, your results will be ready. Review the results to see if the test is positive or negative. और एक बोनस एसेसरी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये है एक हाइजीन हुक। तो आप जब भी कभी पब्लिक प्लेसेस में जाओ, आप इससे अपने डोर्स ओपन कर सकते हो, एटीएम में उन बटन्स को आप इससे टच कर सकते हो, अपने कार्ड स्वाइप मशीन पे ये आपके लिए यूज़ हो सकता है। बहुत ही अच्छा और हैंडी हुक है, जिसको आप इस टाइम में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इंडिया के लोग बहुत स्ट्रांग है यार, सो स्टे पॉजिटिव,
डोंट गेट कोविड पॉजिटिव और आप सब अपने मास्क पहन के रखो। जय हिंद।